अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4-5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आपको बच्चों की ग्रोथ दिखाता हूँ मैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो एक बच्चे की आपको अपडेट दिखाऊंगा। तो सेंडर से निकले हैं और बहुत से चिक्स मर गए हैं, बहुत से काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। तो आपको पहले चिक्स को लेके चलते हैं, कैमरा यहाँ रखते हैं। ये रोशनी कम है तो ये मेरे पास दो बात चीज निकल रहे हैं। ये देखिए, ये दो बात चिक होने जा रहे हैं। ये अंदर से दो बाज होते गए, ये पट्टन के काले हो गए, ये पर यहाँ से काले होंगे। ये देखेंगे ये है एक बच्चा, ये रहा माशाल्लाह। दो बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत है। अब आपको और बच्चों की तरफ लेके चलते हैं। ये कैमरा रखने की जगह नहीं है तो व्हाइट पट्टी वाले बच्चे हैं, देख रहे हैं आप माशाल्लाह भी काफी अच्छी हो रही है। क्योंकि वो वर्षा काफी अच्छी है। ये बड़ा वाले तो खाते हैं, ये बच्चे की ग्रोथ देखें। हेल्प हो गया बच्चा है माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप। ये ऊपर देखे गए पर काले हैं, आपको बता रहा लंबे पर वाली नस्ल कल पोटेगी। आपको ये बच्चे की तो ग्रोथ आपको पता ही है कि तो माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है वाले बच्चे की। ये है तीसरा बच्चा का, ये है तीसरा बच्चा। अच्छा, बहुत से लोग इस एज के बच्चों को दाना चुगा के ना अपना हैंड पंप बना लेते हैं। इधर देख यहाँ पे बच्चे निकले हैं या नहीं, अंडों पे बैठा हुआ मेल और ये लंबे पर वाले बच्चे बैठे हुए हैं। देखे ऊपर माशाल्लाह, ये काफी बड़े पर होते हैं इनके और काफी लेट आते हैं, लेकिन होते बहुत बड़े बड़े पर हैं। और नीचे देखते हैं, ये तीन दो बच्चे ये सबसे ऊपर है। ये तो बड़ी जबरदस्त नस्ल है, ये चुई मुई नस्ल है गाइस, बहुत चंड होते ठीक है। ये बहुत चंड बच्चे होते हैं गाइस, ये चुई मुई नस्ल मिठो में गाइस।
ये देखें स्पीड, देखें कितना सा स्पीड, देखें इसकी आप, रुक ही नहीं रहा कहीं सी एंगल से, बहुत तेज भागते हैं। देखिए बहुत चंट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बचपन में, बहुत चंट होते हैं। और ज़्यादातर ये बिल्डिंगों पर रात गुजारना पसंद करते हैं, इस नस्ल के बच्चे किसी के घर में नहीं उतरते, फिर वो जंगलियों में शुमार हो जाएंगे। वैसे तो 8-10 दिन तक खज्जल होती है नस्ल, वो डबल आँख के होते हैं। ये आपको ऐसी दिखा दूँ, डबल आइज में कैसे बोलते हैं, इनकी आधी आँख पीली होगी, आधी नीचे तक काली होगी, डबल आइज डबल फैक्टर के होते हैं, और उड़ने में बहुत शानदार होते हैं। और आपको एक बच्चा तो दिखाया नहीं, सबसे प्यारा ये रहा, क्या सबसे प्यारा बच्चा ये है मेरे पास, इसका बाप बाजी मोड़ा हुआ मेरे पास और दूसरे नंबर पे आया, सिर्फ एक सेकंड की बस गलती हुई उससे कि दीवार में चलते हुए पंजा लग गया उसका, उसकी वजह से बाजी को नहीं रोक दिया, खाली पंजा लगता हुआ चला गया बस। 25 दिनों की बाजी थी, 25 दिन तक कबूतर उड़ाने थे और टाइम से उतारने थे, खाली वैसे गलती हो गई कबूतर का जाते वाले का, तब पंजा दीवार से लग गया, उसकी वजह से बाजी हार गया। एक अंडा दिया, एक अंडा बोल नीचे हो गया। चले वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएं, ठीक है गाइस, ओके अल्लाह हाफिज़। आपको मालूम तो मिल गई होगी बच्चों की ग्रोथ की और अच्छी नस्ली कबूतरों की पहचान भी आपको करवा दी, मैं बड़े कबूतरों भी आपको दिखा दूँ। कभी भी कबूतर लें तो कोशिश करें कि पलक कट्टा ना हो, ये सारे भराई वाले कबूतर हैं।